अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन कबाब की रेसिपी। ये कटलेट बोल लीजिए, कबाब बोल लीजिए, कुछ देखिए कितना अच्छा कबाब, कितना अच्छा तैयार हुआ, पूरा वेजेस से भरा हुआ, चिकन से भरा हुआ। और ये मैंने चीज़ कटलेट तैयार किया है, कट करके दिखाती हूँ। देखिए इतना चीज़ लोडेड है कि ऊपर भी आ रहा है, हॉट है बिल्कुल। ठीक है, पूरा चीज़ से भरा हुआ चीज़ कबाब बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या क्या लगेगा। ये मैंने चिकन लिया है, इसे बॉयल करके रेशा रेशा अलग कर लिया है। अदरक लहसुन डाल के मैंने इसे बॉयल कर लिया था। ये ब्रेड क्रम्स है, कैबेज है जिसे मैंने महीन कट कर लिया है, वन ओनियन चॉप किया हुआ है, वन कैप्सिकम चॉप्ड है, वन कैरोट चॉप किया हुआ है, थ्री पोटैटो है जिसे मैंने मैश कर लिया बॉयल करके, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 TBS, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली 1 लेमन, 1 TBS सोया सॉस, पिज़्ज़ा सीजनिंग है, चिली फ्लेक्स 1 TSpoon, चाट मसाला 1 TSpoon, 1/2 TSpoon ब्लैक पेपर पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर 1 TSpoon। आइए सबसे पहले गैस ऑन करते हैं, इसमें 1 TBS ऑयल डाला है मैंने, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ऐसे 1 मिनट को अच्छी तरह से भून लेंगे जब चक्कर निकल जाए। इसमें ऑनियन डाल के इसे सॉफ्ट कर लेंगे, गैस तेजी रखेंगे। मैंने 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लिया है, कैप्सिकम ऐड कर देंगे, इसे भी 1/2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, कैरोट ऐड कर देंगे, इसे भी 1 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें कैबेज ऐड करके 1-2 मिनट इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कितना अच्छा कलरफुल सा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी में जो चिकन मैंने बॉयल किया उसे ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, पिज़्ज़ा सीजनिंग और चाट मसाला पाउडर, इसको इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही नमक इसमें डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पोटैटो भी इसमें ऐड करना है, ग्रीन चिली और लेमन, आप चाहे तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, मैं लेमन डाल ली इसमें। सीड निकाल लेंगे, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सोया सॉस ऐड करना भूल गए थी, इसे भी ऐड करके 1-2 मिनट भून लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा चिली फ्लेक्स, इन सबको मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। मिक्सचर ठंडा हो गया अच्छी तरह से, अब इसमें पोटैटो जो बॉयल किया है इसे ऐड कर देंगे। ये ब्रेड क्रम्स है, इसे भी इसमें ऐड करेंगे, कोरिएंडर लीव्स इसे भी ऐड कर देंगे,
इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है सब, ये इस तरह से टाइट रहना चाहिए। अब कबाब बना लेते हैं, जिस साइज का बनाना है, जिस शेप का बनाना है। मैंने इस साइज को बनाया, देख कितना अच्छा शेप हुआ। इसी तरह से अपने सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसको शेप दे देंगे। इसमें चीज भी भर सकते हैं, 4-5 पीस में अफ्तार के लिए बना रही हूँ इसलिए चीज भर रही हूँ। अगर आपको चीज पसंद है तो चीज मिक्स भी कर सकते हैं, अंदर स्टफ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये चिकन पोटैटो चीज़ कबाब तैयार हो गया। इसी तरह एक और बॉल लेंगे, इसे प्रेस करेंगे, चीज़ क्यूब डालेंगे, इसको स्टफ कर देंगे, भर दें, मुंह इसका अच्छी तरह से बंद कर देंगे। मैंने इस तरह से सारे कबाब रेडी कर लिए। ये चीज़ वाले हैं और ये प्लेन है, ये इसे जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है इसमें इसे डिप करेंगे, एक्स्ट्रा निकाल के ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डाल देंगे। एक्स्ट्रा जितना ब्रेड क्रम्स से निकाल देंगे, इसे इस तरह से रखते जाएंगे। इसी तरह से अच्छी तरह इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स, मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं था, ये मैंने ताज़ा फ्रेश ब्रेड का मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स तैयार किया है। इसी तरह अपने सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। मैंने अपने सारे कबाब को इस तरह से रेडी कर लिया है। अभी इस स्टेज पे आप चाहे तो जिप लॉक बैग कर सकते हैं, ये आराम से 15-20-25 दिन फ्रेश रहता है। इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे फ्रीज में कि सेट हो जाए अच्छी तरह से, उसका फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसे मैंने फ्रीज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। देखिए एकदम सेट हो गया, एक्स्ट्रा सब निकल गया। अभी इसे फ्राई कर लेंगे, पहले गैस तेज रखेंगे, उसके बाद मीडियम टू स्लो पे फ्राई करेंगे। जब तक एक साइड से हो ना जाए तो पलटेंगे नहीं, हिलाएंगे हल्का हल्का। इस तरह से पलट पलट के अच्छी तरह से सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। गैस मीडियम टू स्लो ही रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर से अच्छा
नहीं फ्राई होगा। अच्छा कितना कुरकुरा फ्राई हुआ है, इसे निकाल लेते हैं। कितना अच्छा फ्राई हुआ। इसी तरह अपने चीज़ कबाब को भी फ्राई कर लेंगे मीडियम टू स्लो पे। ये ख़ास कर मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। मैंने अपने सारे कटलेट बना के रेडी कर लिए। देख कितना अच्छा, कितना कुरकुरा तैयार हुआ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर ले कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।